और आपकी स्पीड की वजह हाँ से थोड़ा फर्क पड़ा। आपको मतलब एक पेस से नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि विकेट से इतना कुछ स्पिन नहीं हो रहा था, तो जो भी है आपको मिक्स करना पड़ेगा कि स्लो फास्ट एंगल क्रिएट करना पड़ेगा। यार मुझे ये पूछना था कि आपको अभी लास्ट ये सीरीज में और लास्ट में भी 10 12 18 महीने में खुद से, बाकी लोग जो भी बोले, खुद से आपको एक जेन्युइन ऑलराउंडर जैसे लगने लगे, वैसे आप अप्रोच करने लगे हो टेस्ट क्रिकेट को? बिल्कुल ऐसे 12 और 18 महीने की मैं ये नहीं सोच रहा हूँ। मैं जब भी सोच रहा हूँ, कोई भी फॉर्मेट सोच रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा रोल ये है कि बैटिंग बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में मुझे परफॉर्म देना है अपना, तो वो मैं सोचता हूँ। ऐसा नहीं कि अपने आप को मैं सोच रहा हूँ, मैं जब से क्रिकेट चालू किया तब से मेरा रोल यही है। बट एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जब जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है स्कोर करने की और विकेट लेने की, तो तब मैंने किया है। स्पेशली जब इंडिया के बाहर बैटिंग में अगर मैं रन्स कर रहा हूँ तो वो ज़्यादा दिखता है। तो मेरे ख्याल से यही है कि अभी मैं इतना कुछ सोच नहीं रहा हूँ, जो भी हुआ वो हिस्ट्री हो गया। बट अभी फोकस ही है कि जो भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको मैं परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। सुनंदन सर एंड थैंक्स। अनुज मिश्रा, ये सुनंदन सर, सुनंदन सर हाँ जडू, जब विकेट मिलती है वो मोमेंट दिल में रिवाइंड एंड प्ले होता है या आज जैसा रनआउट रिवाइंड एंड प्ले होता है? मेरे लिए तो रिवाइंड एंड प्ले ये रन आउट ही होगा, क्योंकि ये वन ऑफ माय बेस्ट होगा। 38 सर्कल से बाहर से डायरेक्ट हिट, और मेरा ये फेवरेट, मैं अपने आप को मानूंगा कि ये मेरा बेस्ट होगा। क्योंकि विकेट तो 4 विकेट 3 विकेट वो अभी अच्छी बात है इंडिया के बाहर, बट एक जो ग्लिम्प्स जैसा होता है ना, कि एक मोमेंट जो अच्छा लगता है, वो मुझे रनआउट लगा सबसे ज्यादा। क्वेश्चन सर का। जडू भाई एक चीज पूछना था कि कल अप्रोच, मतलब आज दोनों दिन का विकेट के बारे में आपने बताया, मतलब कल जो दो सीनियर बैट्समैन खेल रहे हैं, विकेट कैसा आपको लग रहा है बिहेव करेगा, मतलब कितना पॉजिटिव, जैसे ओपनर्स पॉजिटिव खेले, दो सीनियर बैट्समैन उन्होंने प्लेइंग फॉर द डे खेला, तो कल कैसा अप्रोच होना चाहिए पिच को देखते हुए आपको लगता है? अप्रोच मेरे ख्याल से सिंपल रखना चाहिए, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो चारों बॉलर है वो अच्छे बॉलर है, आपको इजीली इतना लूज बॉल नहीं देंगे, तो आपको उसके लिए वेट करना होगा और विकेट पे टाइम स्पेंड करना होगा। तो मेरे ख्याल से यही थियरी ज़्यादा सूट करेगा हमारी जो बैटिंग लाइनअप है, कि भाई जाके टाइम स्पेंड करेंगे और जो भी लूज डिलीवरी आएगा उसको रन्स में कन्वर्ट करेंगे। अनुज मिश्रा। कितना जरूरी है कि अब रहाणे और पुजारा अपनी पारी में से कोई भी एक इनमें से अपनी इस पारी को एक 90-100 में कन्वर्ट करे और इंडिया की पोजीशन फर्दर सीमेंट करे थर्ड टेस्ट में? कोई एक नहीं, मेरे ख्याल से जो भी बैट्समैन बाकी है वो सब जरूरी है, क्योंकि अगर हमें यहाँ से अच्छा टोटल बोर्ड पे रखना है तो सबका कंट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। तो एक जन से नहीं होगा, मेरे ख्याल से सब लोग अपना रन्स करेंगे, सब लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के खेलेंगे, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इजी रहेगा। संदीप भाई, संदीप द्विवेदी। आपको कॉन्ग्रेट्स। आपको बैटिंग ऑर्डर में जितना ऊपर भेजा जाता है या आगे भेजा जाएगा उससे आपकी बैटिंग में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है, आपको लगता है आपको ज्यादा टाइम मिलेगा टाइम स्पेंड करने के लिए, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर जितना भी मैं ऊपर बैटिंग करता हूँ तो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलता हूँ, और बैट्समैन के साथ बैटिंग करता हूँ तो बातचीत करके एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और एक
हाँ जैसा आपने बोला कि टाइम रहता है मेरे पास कि मैं अपना टाइम लेके सेटल अपना इनिंग सेटल करके फिर मैं खेल सकता हूँ। तो एक बार अगर इनिशियली मुझे वो स्टार्ट मिल गया तो उसके बाद वो मेरा फ्लो में मैं खेलता रहता हूँ। तो आई थिंक जितना भी ऊपर बैटिंग में करता हूँ उतना मेरे लिए अच्छा है कि मैं अपना इनिंग प्लेस अच्छी तरह से कर सकूँ। कितना ऊपर खेलना चाहेंगे आप बताओ, कब कम से कम ओपन करना चाहिए क्या? सौराष्ट्र के लिए तो खेलते ओपन भी कर सकते, सौराष्ट्र के लिए तो कोई भी नंबर खेल सकता। थैंक यू स्कॉट बेली प्लीज। Yes, hi. May I ask one in English, please? Did you feel as if the Australian batsmen, notably Steve Smith and Marnus Labuschagne, changed the way they were facing both yourself and Ashwin in this test? And are there changes, therefore, that need to be made by yourself and Ashwin going to the second innings and in Brisbane? I think, against Ashwin, they were looked to play some shots. You know, they were playing sweep, they were playing over long on. So I think they look to play some positive shots against Ashwin. So I think, sometimes it works, sometimes it doesn't work. So let's see how Ashwin come up with them in next inning. We will now have our last few questions. Jaddubhai, we've got some questions on chat, so I will read them out. The question is from Sayag. The question is, what was your approach while bowling to Steve Smith? My approach was just look to bowl into the stump, try and not give him easy runs, because all other three fast bowlers were bowling very good. They were bowling in right areas and they putting pressure on batsmen. So I was just look to bowl in right areas and not to give them easy runs. Next question is from Prajakta. She has said that Shubman Gill scored his maiden 50 today in test matches. So few words about his knock today. I think he is very, you know, technically he is very sound and he has that temperament. He can play a long inning. So I think it's good if we get a good start. Today we got 70 runs opening partnership, Rohit and Shubman. So I think that's good sign for us as a youngster. So good luck to him and hope he come good in second inning as well. Yes. Final question now. Arkadipto Mukherjee. Yes. Jadeja, am I audible? Yes. Yes, yes. Okay. Yeah. So yesterday, Australia was cruising 166 for two. So what was the mood in the camp when you came out to bowl this morning? Nothing. We have talked that we need to keep patience because wicket is not such that you can go out and take one or two wicket straight away. So just we have to bowl in right areas. We have to put them, you know, make them play a dot ball rather than, you know, just trying something each and every ball. So plan was pretty simple that bowl in good areas, not give them easy boundary so that we can create pressure and get the wicket. Thank you, Jadwai. Thank you, everyone. Thank you.